विधानसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन शहर में राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल रहा। भाजपा कांग्रेस ने रैली सभा के जरिए चुनावी ताकत दिखाई है। नवग्रह मेला मैदान पर कांग्रेस ने सभा आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रणदीप सुरजेवाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। 1:15 पर सुरजेवाला हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचे। सभा में उन्होंने प्रदेश सहित केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, दोस्तों, जिस तरह रावण ने माता सीता का छल से हरण किया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार का हरण किया। अब उनको जवाब देने का समय आ गया। आज इसलिए संकल्प लेकर जाए कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली। सुरजेवाला ने कहा कि निमाड़ के लोग संघर्ष करने वाले और साहसी हैं। इस साहस से मुआवजा मांगने पर गोली चलाने, बेरोजगारों पर लाठी चलाने वालों को सबक सिखाना है। सभा को जिले की सभी 6 विधानसभा से आए प्रत्याशियों ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। बताइए, हमारा आपका राजनीतिक संबंध है क्या? हमारा आपका दिल का संबंध है, यहाँ का संबंध है हमारा, और आज से नहीं है। मुकेश बैठा है सामने, हाथ हिला रहा है। ये पप्पू भाई, हमारा आपका संबंध राजनीतिक नहीं है। हमारा आपका संबंध 40 साल पुराना संबंध है। पार्टी में उनकी स्थिति आप देख सकते हैं, टीवी वीडियो पर आप देखते होंगे। वो आखिरी पायदान पर बैठते हैं जो कांग्रेस पार्टी में सबसे पहली पंक्ति पर बैठते थे, और इनका इतिहास पुराना है, आज का नहीं है। मैंने कई बार कहा इस बात को कि सिंधिया का इतिहास आज का नहीं है। सिंधिया का इतिहास 50-100 साल पुराना है। जब आजादी हो रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे लोगों के साथ में गद्दारी करने का काम किया है। इनका खानदानी इतिहास है, उसी इतिहास को ज्योतिराज सिंधिया ने 2020 के चुनाव के बाद रचाया और एक मजबूत सरकार को गिराने का काम किया। किसानों के लिए नहीं, इनके पास पैसा मजदूरों, दलितों, आदिवासियों के नौजवानों के लिए नहीं, इनके पास पैसा गद्दारों के लिए, क्योंकि ये आपका पैसा तो गद्दारों की जेब में डाल देते। पिछले साल मुझे बता रहे थे सचिन भाई के, रवि भाई के, लहसुन और प्याज तो 1 और 2 रुपए किलो बिका। भावांतर योजना तो बंद कर दी, विधायक खरीद मंडी शुरू कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान। कहते हैं 10 घंटे बिजली देंगे, पर अरुण भाई बिजली तो 2 घंटे भी नहीं आती। हमारे किसान भाई बैठे हैं, बताएंगे, बिजली झटका जरूर मारती है बिल के माध्यम से। किसान की आय कहते थे 2022 तक दुगनी कर देंगे, 2023 आ गया, जब भाजपा के उम्मीदवार आए तो पूछिएगा कहां है वो किसान की दुगनी हुई आय। जब किसान फसलों का दाम मांगता है तो ये किसान को गोली से मारते हैं। और पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और मध्य प्रदेश में, जिसने किसान की खेती पर टैक्स लगा दिया। 75 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, सत्ता पर बैठे किसी हुक्मरान की मजाल नहीं हुई कि खेती पर टैक्स लगा सके, पर इन्होंने 4% जीएसटी लगाया हमारी खाद पर, 12% जीएसटी लगाया कीटनाशक दवाई पर, 12% जीएसटी लगाया ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर, और ट्रैक्टर के टायर लेने जाएं तो 18% टैक्स लगा दिया, और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं। उसके बाद हमारी वोट भी मांगते हैं। मेरे बुजुर्गों साथियों, 56 रुपए लीटर का डीजल था जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। वो जिन दाढ़ी वालों की बात करते हैं, जब आए तो उनसे पूछिएगा, भैया अब 90-90 रुपए का डीजल और 100-100 रुपए पेट्रोल कैसे पहुंचा। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लेकर आए थे। इस प्रदेश के किसानों, इस देश के किसानों, अन्नदाताओं, गरीबों, मजदूरों, मेहनतकश इस प्रदेश के मालिकों, मत भूलिएगा, ये वो लोग हैं जो आपकी खेती को लूटकर 4 उद्योगपतियों की दुकान बनाना चाहते थे, और इसलिए 3 काले कानून लेकर आए थे। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, पूरे देश का किसान वहां बैठा रहा। सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, आंधी में,
एक साल से अधिक 700 किसान शहीद हो गए। एक दिन में 2 किसानों के घर उनकी लाश वापस आती थी उन शहीदों की, परंतु 12 कोस दूर बैठे प्रधानमंत्री को, 12 कोस दूर बैठे प्रधानमंत्री को सो दया नहीं आई। एक हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।